लाइक फ्रैक्शन का मतलब सबके वेरिएबल आपके सेम हैं या नहीं, सबके वेरिएबल सेम है एक्स वाई। अब इसके न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ पर 7 है, यहाँ पर आपका -3 है, यहाँ पर आपका -6 है, यहाँ पर जहां पर कोई न्यूमेरिकल पार्ट नहीं दे रखा यहाँ एक्स वाई का कोफिशियंट +1 है, और ये है आपका -5। और वेरिएबल आपका क्या है सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 + 1 8 हो गया, और ये तीनों जो नंबर थे हमारे माइनस में थे 5 + 6 11 + 3, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 और 5 11 और 3, ये हमारा 14, -14 और +8, तो ये हमारा क्या आ जाएगा -6 xy। समझ आया आपको, ये माइनस वाले जो पोर्शन थे ये मैंने इकट्ठे ऐड कर दिए, और ये प्लस वाला 7 + 1 8, तो ये दोनों इंटीजर को आप जब ऐड और माइनस करते हो साइन आपका माइनस का आएगा, 14 में से 8 चला गया आपका क्या आएगा 6 आएगा। समझ आया आपको ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेवंथ, देखो सेवंथ क्वेश्चन था आपका -ab + 2b² - 3a² आपको इसे क्या करना था, आपको इसमें दो चीजें शो करनी थी, एक तो आपको इसमें टर्म शो करनी थी और एक इसमें फैक्टर शो करने थे बाय ट्री डायग्राम। तो आप इसको पहले तो इसमें हमारे पास इसमें टर्म्स कितनी है, तीन टर्म्स है ना इसमें, कौन कौन सी है, एक तो -ab है, एक 2b² है और एक है -3a², तीन टर्म्स है ना इसमें, एक तो ये वाली और एक ये वाली और एक -3a². अब इसको हमने, ये तो हमारी टर्म्स हैं, राइट, पहले इसको ऐसे लिखना था, और उसके बाद हमें जब फैक्टर्स बनाने हैं तो फैक्टर्स कैसे बनेंगे, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक तो माइनस है, एक ए है और एक बी है, तो एक -1 और एक ए और एक बी, क्योंकि मल्टीप्लाई करके हमारा -ab आ जाएगा। इसके भी फैक्टर्स बनाओ, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, एक तो 2 बनेगा और b² b की पावर 2 का मतलब होता है b को आप 2 टाइम्स लिख सकते हो, b × b, तो ये हमारे क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। उसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर्स बनाएंगे, एक तो हमारा फैक्टर बनेगा -3, एक a² a को हम किस तरह से लिख सकते हैं a × a, तो ये a × a, ये हमारा a को a से मल्टीप्लाई करते हैं, a raised to the power क्या आता है 2 आता है, जब बेस इक्वल हो तो मैंने बताया था पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। समझ आया आपको ये क्वेश्चन, क्योंकि ये जो चैप्टर था ये आपका से भी रिलेटेड है, इसीलिए मैं फिर डिटेल में आपको एक बार, हमारा क्वेश्चन 8 दे रखा था, इफ m = 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 - 5m। आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना था, m की जगह जो है क्या पुट करना था, वैल्यू पुट करनी थी, m की वैल्यू क्या दे रखी है 2 दे रखी है, तो 9 - 5 × 2, 9 - 10, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 10 में से 9 चला गया 1, और साइन कौन सा लगेगा आपका, माइनस का लगेगा। समझ आया आपको ये क्वेश्चन, यहाँ पर जब हमें वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, m की जगह हमें क्या पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है, m की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 5 × 2 = 10, -10, ये 10 हमारा माइनस का है और 9 प्लस का है, 10 में से 9 चला गया 1, और साइन कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा। समझ आया आपको ये क्वेश्चन। उसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन है, इसको यूजुअल डेसिमल नोटेशन में लिखना था, जो मैंने 1 मार्क्स में दिया था वो आपको दिया था स्टैंडर्ड फॉर्म में, और अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, आपको डेसिमल नोटेशन, यूजुअल डेसिमल नोटेशन में लिखना है,
तो कैसे लिखेंगे 10 raised to the power 5, तो ये हमारा डेसिमल से आगे कितने पार्ट जाएगा राइट की तरफ, 5 डिजिट जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, ये जो हमारा डेसिमल है कहाँ ट्रांसफर होगा, 5 डिजिट आगे, तो हम कैसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो डेसिमल होल नंबर के बाद चाहे लगाओ या नहीं लगाओ, ये आपको एज इट इज ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, ये हमारी यूजुअल डेसिमल नोटेशन हो गया, राइट। और जो अगला क्वेश्चन था वो भी सेम था, उसमें 2.3048 × 10⁻¹⁰ क्या दे रखा था, 9 दे रखा था। तो डेसिमल के बाद आपको कितने डिजिट और काउंट करने हैं, 9, 1 2 3 4, 4 तो ऑलरेडी गिवन है, और आगे और कितने डिजिट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, यूजुअल डेसिमल नोटेशन। समझ आया आपको ये क्वेश्चन, अब देखो हमारा 2 marks में 10th क्वेश्चन था 2 raised to the power 3 और अगेन पावर के ऊपर जब अगेन पावर होती है तब हम कैसे सॉल्व करते हैं। जब मैंने आपको मेथड बताया था जैसे a raised to the power n है और ऊपर अगेन पावर m है, तो इसका मतलब है पावर के साथ पावर क्या हो जाती है आपकी, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये nm आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ऐसे ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, और अब ये बेस बराबर है, जब बेस बराबर होते हैं बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर क्या हो जाती है आपकी, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 6 में से 5 चला गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 raised to the power 1, 1 चाहे आप लिखो या नहीं लिखो, आप डायरेक्ट इसको 2 भी लिख सकते हो। ये मेथड, इसमें 2 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपके यूज हो रहे हैं, एक तो पावर के ऊपर पावर जब होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, और एक यहाँ पर डिवीजन रूल लग रहा है, जब आपके बेस बराबर होते हैं, देखो जैसे ये बेस बराबर है तो बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर हमारी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। समझ आया आपको ये रूल। ये हमारे सारे क्वेश्चन जो थे ये हमारे 2 marks के क्वेश्चन थे, ठीक है। अब जो सेक्शन सी था आपका वो हमारा 3 marks के क्वेश्चन थे, और 3 marks में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, इधर देखो सब स्टूडेंट, 108 × 192। आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे फिर से, और ये सारे क्वेश्चन जो हैं यू हैव टू डू इन योर प्रैक्टिस नोटबुक, ये पेपर जो है आपको प्रैक्टिस नोटबुक पे करना है। ये 108 को और इनटू 192 को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था ये क्वेश्चन। तो पहले 108 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 108 के फैक्टर्स क्या बने, 2 तो कितनी टाइम्स है, 2 times है, और 3 कितने टाइम्स है, 3 times है, तो 3 raised to the power 3 × 2 raised to the power 2, इसको इस तरह से लिख दिया। और 192 जो है इसके भी फैक्टर्स बना दो, 192 के फैक्टर्स बनाओगे 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, ये फैक्टर्स इस तरह से आपको बनाने हैं पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो ये 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 raised to the power 6 इंटू 3 raised to the power 1। अब इसको हमने टोटल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ये भी बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो आंसर हेलो हेलो
यस स्टूडेंट, अब जब हमारे बेस इक्वल होते हैं तो ये हमारे ये भी बेस इक्वल हैं, तो ये हेलो हेलो हाँ कनिष्का, मैं कौन सी फॉर्म आ गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। सबसे पहले हमने 108 के फैक्टर बनाए, देन हमें 192 के फैक्टर्स बनाए। फैक्टर्स बनाने के बाद हमें क्या किया है, ये हमारे बेस इक्वल थे तो देन पावर एडिड हो गई, ये भी हमारे बेस इक्वल हैं तो पावर हमारी क्या हो गई है, एड हो गई है। अब हमारा 12th क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, 5.976 इंटू 10 रेस टू द पावर 24 ग्रेट, ये हमारा नेक्स्ट था 8.869 इंटू 10 रेस टू द पावर 23। आपको इन दोनों को कंपेयर करना था, तो व्हेन वी आर कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड नोटेशन वाले क्वेश्चन जो है, जब हम कंपेयर करते हैं तो किस तरह से कंपेयर करते हैं, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों पोर्शन में हमारा बड़ा कौन सा है। इन दोनों पोर्शन में तो हमारा बड़ा ये वाला है, लेकिन पावर जो 10 टू द पावर 24 और ये 10 टू द पावर 23, इसमें जो पावर ग्रेटर है वो ये वाली ग्रेटर है, तो इट मींस ये जो पोर्शन होगा 5.976 इंटू 10 रेज टू द पावर 24, ये ग्रेटर होगा 8.869 इंटू 10 रेज टू द पावर 23। ये जो पावर है 24, ये 23 पावर से क्या है, ग्रेटर है, क्योंकि आगे उतनी जीरो एक्सटेंड हो जाएंगी ना, तो एक जीरो इंक्रीज हो जाएगी, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ग्रेटर हो गया। और ऐसे ही सेम 12th क्वेश्चन भी था, 12th का सेकंड पार्ट भी था, उसमें पावर सेम दे रखी है। जब पावर सेम दे रखी हो तब हम कैसे कंपेयर करेंगे, ये हमारे पावर सेम थे तब हमने कैसे कंपेयर करना है, तब हमने डेसिमल जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, हमने इसको देखना है कि इनमें कौन सा बड़ा है। तो पहले हम 1, ये इक्वल है डेसिमल के बाद पहला डिजिट, ये भी इक्वल है डेसिमल के बाद, सेकंड डिजिट भी इक्वल है सेकंड जो प्लेस पे है, थर्ड प्लेस पे जो 1000 प्लेस पे जो डिजिट है, यहाँ 9 है यहाँ 3 है, तो इट मींस ये हमारा इससे क्या है, ग्रेटर है। समझ आया। उसके बाद हमारा 13 क्वेश्चन जो था वो हमारा एड था, एड में हमारे पास तीन एक्सप्रेशन दे रखे थे, तो तीनों को पहले मैं हॉरिजॉन्टल वे में कॉलम वाइज लिख रही हूँ, तो यहाँ पर वेरिएबल सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल आएगा, 4a प्लस 7b माइनस 9c, और थर्ड है हमारा 2a माइनस 3b प्लस 4c। देखो इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो वेरिएबल चेक करनी है, सेम वेरिएबल लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ही आएगी, ये ध्यान रखना हमेशा। अब हमें इसे प्लस करना है, तो कैसे करेंगे, 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9 राइट, और ये माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 और ये प्लस का 7 है, तो 7 में से 5 चला गया, ये हमारा क्या आ जाएगा, 2b, क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का, और ये 5 प्लस 4 9 और ये माइनस 9, प्लस 9 और माइनस 9 ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ आया आपको ये क्वेश्चन। और इसी का जो 14th क्वेश्चन था उसमें हमें सबट्रैक्ट करना था, आपको मैंने सारे मेथड ऑलरेडी बता दिए थे, लेकिन ये आज हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो इसीलिए मैं आपको सारा बता रही हूँ। देखो फ्रॉम के बाद वाली जो रकम है वो ये है, 7x² माइनस 8xy प्लस 3y² माइनस 5, इसमें से क्या सबट्रैक्ट करना है, जो सबट्रैक्ट करना है उसे लिख दो, एक्स वाई के नीचे एक्स वाई आएगा प्लस 5x², ठीक है, ये भी यहाँ पर कोई साइन नहीं था तो ये प्लस है, और माइनस 7y² और प्लस 3।
आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते समय साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो चेंज करेंगे तो ये प्लस का है तो क्या हो गया माइनस, ये माइनस का है तो क्या हो गया प्लस, ये प्लस का है तो क्या हो गया माइनस, और ये भी प्लस का है तो क्या हो गया माइनस। तो ये सेवन में से फाइव चला गया, ये आ गया आपका टू, और ये साइन वही बन जाता है। माइनस सेवन माइनस एट क्या होता है माइनस फिफ्टीन, प्लस सेवन प्लस थ्री क्या हो जाएगा प्लस टेन, माइनस फाइव माइनस थ्री क्या हो जाएगा आपका माइनस एट। तो इस क्वेश्चन का आपका ये आंसर आएगा। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? और फिफ्टींथ क्वेश्चन जो है वो आपका सिंप्लीफाई करना था, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका ये। हम 21 के फैक्टर्स बना देंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन में, ठीक है। 21 के फैक्टर 3 × 7, 3 से 3 कैंसिल भी कर सकते हो या ये वाला मेथड भी कर सकते हो। यहां पर भी पावर वन है, यहां पर भी पावर वन है, तो ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ये भी पावर बेस इक्वल है तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, ये भी बेस इक्वल है तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। ये 3 raised to the power 0, ये 7 raised to the power 1 और 11 raised to the power 2। किसी भी चीज की पावर 0 1 के इक्वल होती है, और ये 7 raised to the power 1 और 11 raised to the power का मतलब 11 × 11, 11 raised to the power 2 का मतलब। तो ये तीनों मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लिखना था इसका, 847 आ जाएगा। 11 को 11 से करोगे 121 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका क्या आ जाएगा 847। ये स्टूडेंट आपका सेक्शन सी था, और इसके ये 15 तक क्वेश्चन थे। उसके बाद आपको 16th क्वेश्चन में मोनोमाइल बाइनोमाइल और ट्राइनोमाइल बताना था। तो मोनोमाइल में 1 टर्म होती है, बाइनोमाइल में 2 टर्म्स होती है, ट्राइनोमाइल्स में 3 टर्म्स होती है। तो फर्स्ट वाले का आंसर ट्राइनोमाइल, सेकंड वाले का मोनोमाइल्स, और थर्ड वाले का बाइनोमाइल्स। और जब फोर्थ वाले को सॉल्व करोगे उसमें 2 आपके कॉन्स्टेंट टर्म है -7 + 4, तो वो भी ट्राइनोमाइल बन जाएगी। और 17 में डिग्री लिखनी थी, जब आपको डिग्री देखनी है तो डिग्री हाईएस्ट डिग्री लिखनी है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन में डिग्री 2 आएगी, और सेकंड वाले में 5 आंसर हाईएस्ट डिग्री है, थर्ड वाले में 1 आएगा, और फोर्थ वाले में आपका 0 आएगा, ठीक है। क्योंकि कॉन्स्टेंट नंबर था, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है, ठीक है। और 18th क्वेश्चन में भी वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है, उसमें जेड की जगह आपको 10 पुट करना था। और 19th क्वेश्चन में एक्सपोटेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको लिखना था, पहले एक्सपेंड करना था, देन यू हैव टू राइट इट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और 20 में सिंप्लीफाई करना था, ब्रैकेट के बाहर माइनस था तो पहले माइनस अंदर लेके जाना था, उसके बाद जो आपके प्लस और माइनस कैंसिल होते हैं वो आपको कैंसिल करना था, और उस तरह से वो क्वेश्चन 20 भी सॉल्व करना था, ठीक है, उसका आंसर P - Q आ जाएगा। और 21 क्वेश्चन जो है उसमें 12/13 raised to the power 4 × 13/12 raised to the power -8 = 12/13 raised to the power 2x। तो उसमें बेस जो है सेकंड वाला इक्वल कर देना, और उसमें एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी वो आपकी आ जाएगी -2। ये पेपर जो है आपको क्या करना है, प्रैक्टिस नोटबुक पे सारा पेपर सॉल्व करना है। इफ यू हैव रिगार्डिंग एनी क्वेरी इन फॉर दिस क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी। अगर आपको कोई क्वेरी है इन क्वेश्चंस के बारे में तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे, ओके। Yes, students, if you have any query regarding this question, then you can ask. Yes, Sanchi.